नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहिए या शादीशुदा है, जो भी है, सिंगल नहीं होना चाहिए, जो भी है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी हिडन फीलिंग्स है मन की, अंदर मन की, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ये जनरल मैसेज है, तो हर बात हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। ये रीडिंग होगी 22 से लेकर 28 तारीख तक की, 22 से लेकर 28 तारीख तक की इस रीडिंग को आप देख सकते हो। साथ में आपके लिए एंजल की गाइडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजल की गाइडेंस को आपको हमेशा मान के चलना चाहिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी मन की बातें आपके लिए, वो क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरापी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेम्बर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं कि आपको प्लेफुलनेस में रहना चाहिए, हमेशा गंभीर, हमेशा बहुत मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत नहीं है प्यार में, क्योंकि हंसना भी जरूरी है, मजाक भी जरूरी है, थोड़ा लाइटनेस भी जरूरी है। हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके, बहुत ज्यादा सीरियसली प्यार को देखने की जरूरत नहीं है। लफ्टर इज द बेस्ट थेरापी, हंसना बहुत अच्छी थेरापी है, वैनिशिंग भी है। हैव सम फन टुगेदर, ये आपके साथ कुछ मजाक, हंसी मजाक करना चाहते हैं, कुछ अच्छे फनी पलों को बिताना चाहते हैं। एंड रिमेम्बर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर, ये कहना चाहते हैं प्यार ही सबसे बड़ा हीलर है, आपको किसी हीलर की जरूरत नहीं है, कुछ हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में प्यार है, आप दूसरों के लिए प्यार की भावनाएं रखते हो, प्यार में हो, किसी के साथ प्यार को महसूस करते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हंसना चाहिए, प्यार में रहना चाहिए, चीजों को हल्का फुल्का तरीके से देखना चाहिए। हमेशा सीरियस होना, बहुत ज्यादा मतलब गंभीर हो के रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं है, कभी मजाक में, कभी हंसी मजाक में भी रिश्ते को जिया जा सकता है, हंसी मजाक भी किया जा सकता है, प्यार में ये सब कुछ करना चाहिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। फ्रेंडशिप, नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये बार बार आपसे लाइट होने के, साधारण तरीके से रिश्ते को निभाने के बारे में बोल रहे हैं, फ्रेंडशिप निभाने के बारे में बोल रहा है कि दोस्ती रखना चाहिए, रिश्ते को हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस नोट में नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सी हल्की फुल्की दोस्ती, हंसी मजाक ये करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होने से कोई भी रिश्ता बहुत ज्यादा सीरियस बन जाता है, उसमें से मजाक किया जो पार्ट होता है वो चला जाता है, दोस्ती चला जाता है। रिश्ते में हमेशा एक टीचर और स्टूडेंट की जो स्थिति है वो आ जाता है। ये एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं, हो सकता है वो आप अपने पार्टनर से ये कहना चाहते हो, नेचर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं जब आप दोस्ती को
रिश्ते में जब दोस्ती को आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे, दोस्ती से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचोगे, हमेशा रिश्ते को बहुत ज्यादा सीरियस नोट में नहीं रखोगे, दोस्ती भी रखोगे, हल्का फुल्का मजाक, हंसी मजाक ये सब कुछ रखोगे, क्योंकि पहले भी ये प्लेफुलनेस के बारे में बात कर रहा था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है मोह बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है आप लोग, क्योंकि वैसे भी वर्गो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हैं, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, चीजों को हल्के से भी लिया जा सकता है, दोस्ती में भी रिश्ते को निभाया जा सकता है, हंसी मजाक भी किया जा सकता है, इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन आपसे When you pass from the world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. ये कहना चाहते हैं, बहुत सीरियस बातें हो गई, ये ही खुद ही मजाक करने के बारे में बोल रहे थे, अभी ये बहुत ज्यादा सीरियस बातें ये आपसे करने लगे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाओगे आप क्या ले जाओगे, कुछ नहीं, अच्छे मेमोरीज, अच्छे बिहेवियर या अपने सोल में आप कलेक्ट करके ले जाओगे और लोगों को आप यही दे पाओगे। जब तक आप इस दुनिया में हो लोगों को प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए, चीजों को दिल से दिल को जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपना प्यार को आप स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, सिर्फ प्यार और अपनी सच्चाई अच्छाई जो हमने लोगों में बांटा है वही अपने सोल में लेके जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनके लिए हम ये छोड़ सकते हैं कि हमने उनसे प्यार किया, बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आया, तो इन चीजों को आपको याद रखनी चाहिए। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it's only in being true to yourself that you can be true to others. ये कहना चाहते हैं कि जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं, वो आप अपने दिमाग में लेके खुद को दोषी मान के कोई भी डिसीजन ना लिया करें। डिसीजन तभी लेना जब जो आप खुद हो, फॉर इट्स ओनली बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आप अपने आप के साथ सही हो ना तो आप सही हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर किसी को तो आप सफाई देते नहीं फिर सकते हो, हर किसी की तरीके से आप खुद को जज नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, तो आपको अपने में सच रहना पड़ेगा, सच्चाई रहनी पड़ेगी आपके अंदर, तो दूसरे बंदा या बंदी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरों की तरह खुद को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जो आप हो सो हो उसी तरीके से आपको लोगों के सामने पेश होना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस बात को सोच के आप खुद को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप हो आप खुद में एक अलग यूनिक हो, आपको लोगों की बातों से अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, ना ही लोगों को सफाई देने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, पहले ये बहुत मजाकिया बातें कर रहे थे कि प्लेफुलनेस होनी चाहिए, रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए,
हंसी मजाक होनी चाहिए, फिर ये कहना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हो सकता है आपको ये शिकायत रहता है, लोग मेरे बारे में ये कह रहा है वो कह रहा है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहा है उसको सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और ये कह रहा है कि रिश्ते में प्यार, अपनापन, हल्कापन रखिए, लोगों के सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो, लोगों को प्यार दे रहे हो, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो प्यार और अच्छाई लेके जाएंगे साथ में, और जो रहेंगे वो हमारे अच्छाई को याद करेंगे। तो आप इस तरीके से सोचिए, लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो, सच्चे हो, तो आप खुद में अच्छे हो, उस बात का आपको ख्याल रखना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप हर किसी को अपना सफाई देते मत फिरे, बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वर्गो, बी असर्टिव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। मुझे लगता है वर्गो, आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हो, नींद आप जो ले रहे हो सकता है बहुत देर से नींद लेते हो, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा कीजिए, पैदल चलिए, खुद को शांत रखिए, और बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा था, कार्ड भी आया था, आपके पर्सन भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है, लोगों को लिए, लोगों को बताने के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, जो आप हो सो हो। तो आपको उस तरीके से सोचना चाहिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, और जो सही है उसके साथ चलिए, और अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।